देखो जो सारे कट्ठे एकजुट हो गए तुस थोड़े सारे इशू सॉल्व होने
कोई इशू किसी तो पेंडिंग नहीं होना हौसले होने जो तो सारे कट्ठे हुए अच्छ असं बखरे बखरे ग्रुप बना के बखरे बखरे वो बना के वह अच्छा लगता सारे कट्ठे हो मोदी साहब उपर बैठे थे डॉक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की उनमें हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अशोक खजूरिया प्रेजिडेंट हैं और मैं इसमें कन्वीनर हूँ और उसी के सिलसिले में यहाँ आ जा रहा हूँ रिफ्यूजी भाइयों की सम्मेलन में ये सारे बस्तियों के आए हुए लोग जो इनकी भिन्न भिन्न जमाने हैं उनको सुनने के लिए आए और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमने माननीय जो हमारे एलजी साहब हैं उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया था और कुछ बातों पे काम हुआ है जो बाकी वाले काम हैं। राज रिफ्यूजियों के आज भी कई परिवार जो हैं वो राहत से कोसों दूर हैं तो उनके लिए क्या जल्द इस तरह से कदम उठाए जाएंगे? देखिए इनके अलग अलग इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हर प्लेटफॉर्म पे उजागर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार तो किस तरह से देखते हैं? तो देखिए वो आपके सामने जाहिर है कि हम 400 पार करेंगे क्योंकि वो तो कोई आदमी मैदान में है नहीं तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी साहब को ही मानते हैं उन्हीं को वोट देंगे और ये 400 पार का नारा जो है वो पूरा हो। सर आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनको अभी तक कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं मिल पाया तो किस तरह से देखते हैं? है ही कहाँ नहीं कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं कोई और फील्ड में है नहीं तो इसलिए कहाँ हो गए हमारे यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट इसी कॉन्फ्रेंसी के थे फिर दोबारा हैं लोग उनको बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे और ताकि वो यहाँ के लोगों की बात जो है वो दिल्ली में रख सकें और लोगों को थैंक यू। देखिए ये जो आज कार्यक्रम हुआ ये बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी संख्या में यहाँ हमारे जो डीपी पर्सन हैं वो सभी यहाँ आए थे और इनके जो इशू है जो इन्होंने आज यहाँ रखे हैं वो मैक्सिमम सारे मैंने इनके इशू सुने हैं और सलातिया साहब भी यहाँ पे आए थे बिल्कुल जेन्युइन इशू है और उन इशू पे काम करना ही पड़ेगा कुछ किया भी है हमारी पार्टी ने जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब डॉक्टर साहब हैं जितेंद्र सिंह साहब इन पर काफ़ी सारे काम हुए भी है लेकिन जो पेंडिंग इनकी डिमांडें हैं मैं कहता हूँ अपनी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे जितने भी रिफ्यूजी भाई हैं इनके जो डिमांडें हैं उनको गौर से सुनकर और इनको पूरा अमल होना चाहिए इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि ये जो इनकी डिमांडें हैं मैंने देखा बिल्कुल जेन्युइन डिमांडें हैं और ये आज से नहीं कई सालों से इनकी डिमांडें आ रही थी जिसमें से काफ़ी सारी हल हो चुकी है जैसे हमारा 5.5 लाख इनको इंस्टॉलमेंट मिली है किस्त मिली है इनकी और भी इनके काफ़ी जैसे इनका जो मालिकाना हक है वो इनको मिलना चाहिए जो जितनी भी जो भी इनकी लैंड है उनको इनका मालिकाना हक मिलना चाहिए क्योंकि जैसे जो भी अपनी ज़मीन को ना बेच सकते हैं ना उसके मालिक इसमें जो अपने डॉक्यूमेंट है उसमें ये मालिक भी नहीं है और जब भी इनको कोई लोन भी लेना पड़ता है चाहे कोई केसीसी कार्ड बनाना पड़ता है या कोई भी काम करने के लिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर कोई करना तो इनको उस पर ये अपना जो ज़मीन है उसके मालिक नहीं है उससे बैंक इनको कोई लोन भी नहीं देता तो ना तो इतने कोई मैं चाहता हूँ कि आज अगर नौकरी की बात करें तो ज़्यादा सर लोग जो वो चाहते हैं हम अपना बिजनेस करें नौकरी तो कम है लेकिन उससे क्या है कि ये अपनी ज़मीन के मालिक नहीं है तब तक इनको लोन नहीं मिल रहा काफ़ी सारी इनकी जो प्रॉब्लम है वो आज यहाँ पर इन्होंने रखी गई है और उस पर बहुत जल्द मैं कहता हूँ कि जैसे हमारी सरकार आती है पहले भी सारे काम हुए हैं और आगे भी बहुत जल्द इनके जो काम आज इन्होंने यहाँ रखे हैं हमारे यहाँ बाबू शाह शर्मा साहब ने ये प्रोग्राम रखा था और इनके पूरा आज मैं यहाँ से जैसे हमारे साथी साहब ने भी इनको आश्वासन दिया हम भी अपने पार्टी की तरफ से ये इनको आश्वासन देते हैं कि जो जो आपके मसले हैं जी हम अपने हर मंच में ये मसले आपके उठाएंगे और आपके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे जहाँ ये एड्रेसल होना है और माध्यम यही रहेंगे हमारे जो कि भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं डीपी सेल के और ह्यूमन राइट्स के और लीगल के सलाती साहब उन्हीं से हम होते हुए आगे जाएंगे और इनका एड्रेसल करवाएंगे। थैंक यू सर।